हेलो स्टूडेंट, दिस इज मीनाक्षी सिंह एंड अकाउंट टीचर इन मल्टी कॉमर्स क्लासेस मुजफ्फरपुर बिहार। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया और आई होप आप लोग उसको स्टडी कर लिए होंगे। और अगर क्योंकि अप्रोप्रिएशन अगर हमारा बन जाता है तो हमारे लिए नेक्स्ट अकाउंट बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो अब आज के वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं वो हमारा कैपिटल अकाउंट है। तो नॉर्मली कैपिटल को हम लोग क्या समझते हैं? एनीबडी एल्स हु कैन इन्वेस्टेड इन बिजनेस एंड स्टार्टअप बिजनेस नोन एज कैपिटल। यानी कैपिटल क्या है जो हमारे बिजनेस को शुरू करने में मदद करता है। तो स्वाभाविक है, पार्टनरशिप फॉर्म में भी जब सारे पार्टनर डिड बनाते हैं तो फिर वो पार्टनर कैपिटल लेकर आते हैं, एडिशनल कैपिटल भी लेकर आ सकते हैं और उनके कैपिटल के अनुसार ही उनको इंटरेस्ट मिलता है या उनके बिजनेस का जो भी प्रॉफिट शेयर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी हर पार्टनर का कैपिटल उसके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन बात करते हैं जब फर्म की बात आती है तो फर्म सारे पार्टनर को लेकर बिजनेस करता है, यानी सारे पार्टनर के कैपिटल को वह क्या करता है, एक जगह स्टोर करता है और बिजनेस को रन कराता है। तो बात सोचने की आती है, जो हमारे प्रश्न में, हमारे क्वेश्चंस में ये आएंगे जो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है तो आप किस रूप में बनाएंगे। अगर सवाल में कुछ भी नहीं कहा रहेगा तब तो नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल बनता है। लेकिन जब आपके क्वेश्चंस में स्पेशली उस टर्म को डिनोट किया जाएगा तो फिर आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल से पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट देखेंगे। आप देखिए बोर्ड पे यहाँ लिखा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल तो सबको पता है, कैपिटल का टू टाइप्स होता है। शायद ये आप लोग को पता ना हो भी तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं होगी। कैपिटल दो होता है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग नाम से ही है, जिसका जिसके अंदर के एडजस्टमेंट क्या होते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। फ्लक्चुएट मतलब कभी ज़्यादा होना कभी कम होना, तो यानी कि ये चेंज होगा। लेकिन फिक्स्ड का मतलब क्या है, वो लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए है और वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ ईजी है समझना, दोज कैपिटल टू बी परमानेंटली फॉर मोर देन ईयर नोन एज फिक्स्ड कैपिटल, बट ऑल द एडजस्टमेंट इन कैपिटल कैन बी फ्लक्चुएटेड ईयर बाई ईयर, वीकली मंथली समटाइम्स नोन एज फ्लक्चुएटिंग। क्लियर? अब असली चीज क्या है, ये तो आपका थ्योरी हो गया। आपके एग्जाम में आएगा व्हाट इज कैपिटल तो आप बता ही देंगे, फिर आएगा कैपिटल के कितने पार्ट हैं तो वो भी आप बता देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली आपको बनाना क्या है वो ये लिखा हुआ है। फ्लक्चुएटिंग में एक ही कैपिटल बनता है जबकि फिक्स्ड में दो बनता है। तो फिलहाल हम लिखे हैं कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट और यहाँ लिखे हैं कैपिटल अकाउंट, लेकिन ये किसके बारे में बात हो रही है? तो हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। यानी पीएल एप्रोप्रिएशंस में जो बैलेंसिंग फिगर था आपका, या तो प्रॉफिट या तो लॉस का, वो बैलेंसिंग फिगर अब कहाँ ट्रांसफर होगा? आप याद करें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में रिसिप्ट्स और पेमेंट के कुछ आइटम को आप कहाँ लेते थे, इनकम एक्सपेंडिचर में, और इनकम एक्सपेंडिचर से जो सरप्लस डिफिसिट होता था वो आप बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में ऐड और लेस करते थे। 11th का याद करें तो ट्रेडिंग का जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता था वो आप पीएल अकाउंट में लेते थे, और पीएल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता था वो आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल में प्लस और माइनस करते थे। तो हर जगह सेटलमेंट ऑफ अकाउंट उसी तरीके का होता है। तो सबसे पहले आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको अब आपको ट्रांसफर करना है। तो कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट, लेकिन इसको किस नाम से जानेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किसका कैपिटल है, पार्टनर का। यहाँ भी होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ भी होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, अब हम आप लोग को फॉर्मेट बताते जा रहे हैं, आप उसको समझेंगे और फिर आप उसको राइट डाउन करेंगे और उसको पीएल एप्रोप्रिएशन से कंपैरिजन करेंगे। और बहुत ही आसान है, बिल्कुल नहीं परेशान होना है जो किस आइटम को किधर रखना है, सिंपल वे समझना है। पीएल एप्रोप्रिएशन फर्म बनाती है, क्लियर? तो फर्म का जो भी एक्सपेंस है डेबिट और जो भी इनकम है क्रेडिट। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, ये पर्सनल है, हर पार्टनर का अपना पर्सनल अकाउंट है। ये पर्सनल अकाउंट के तरह
काम करेगा और यह अपने टर्म को देखेगा जो किस तरीके से हम क्या करते हैं। क्लियर हो गया? जैसे हम लोग अपने पासबुक में काम करते हैं वैसे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो हम लोग पहले आज फ्लक्चुएटिंग पे बात करेंगे और आपको पहले ही हम रिमाइंड करा दें, अगर आपके एग्जाम में या आपके खुद के बुक के प्रैक्टिकल में कहीं भी डिटरमाइन ना हो जो आप फिक्स्ड बना रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं, तब आप क्या बनाएंगे? फ्लक्चुएटिंग। यानी व्हेनेवर नॉट क्लियर इन योर क्वेश्चंस फ्लक्चुएटिंग और फिक्स, यू कैन ओनली फ्लक्चुएटिंग। और अगर आपके क्वेश्चंस में क्लियर दिया रहेगा, यू कैन मेकिंग अ पार्टनर्स अकाउंट इन द सेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तब आपको दो अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो ज्यादातर केस में कौन सा अकाउंट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखेंगे और पीएल एप्रोप्रिएशन के तरह ही ये बनेगा। अगर आपको एक ट्रिक जानना हो तो पीएल एप्रोप्रिएशन के अपोजिट यह बनता है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लक्चुएटिंग का यहाँ बना रहे हैं। आप देखिए हमने क्या लिखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए हम अंदाज से दो पार्टनर का कॉलम बना रहे हैं ताकि आपको समझना आसान हो, कम से कम दो पार्टनर तो होंगे ही होंगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक सिंपली फॉर्मेट तो ऐसे ही बनेगा, हम एक का नाम ए रख रहे हैं, एक का नाम बी रख रहे हैं और ये कॉलम पार्टिकुलर्स कहलाता है, ये भी पार्टिकुलर्स कहलाएगा और ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। अगर देखा जाए तो बहुत आसान है, पार्टिकुलर्स हो गया और अमाउंट के जगह पे पार्टनर्स का नाम हो गया। जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो फिलहाल हम दो डेबिट में डाले और दो क्रेडिट में डाले और पार्टिकुलर्स का कॉलम है, नहीं टोटल 6 कॉलम्स हमने बनाया। ये कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किस बेस का है? फ्लक्चुएटिंग। क्लियर हो गया? फ्लक्चुएटिंग में कितना बनता है? एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या डालेंगे हम लोग, कौन आइटम को डेबिट डालें और किस आइटम को क्रेडिट डालें? बहुत इजी है, हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन को याद करें और उसमें का आइटम को हमको जस्ट अपोजिट ट्रांसफर करना है। लेकिन सबसे पहले चूंकि ये पार्टनर्स कैपिटल है तो पार्टनर ने कितने कैपिटल लगाए वह उसके लिए क्या होगा? इनकम होगा। तो वह क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए बाय बैलेंस बीडी। हम ब्रैकेट में कैपिटल लिख देते हैं लेकिन कैपिटल लिखना नहीं है, ये बस समझाने के लिए हम लिख रहे हैं कैपिटल। बाय बैलेंस बीडी का मतलब ही होता है जो पार्टनर जब बिजनेस को शुरू किया होगा तो उस समय वह जो भी कैपिटल लगाया होगा वही कैपिटल यहाँ पर है। क्लियर है? तो बाय बैलेंस बीडी जो भी अमाउंट हो उस अमाउंट को यहाँ हम लोग फिल कर देंगे। क्लियर? हाँ, कभी कभी क्या होता है कोई पार्टनर बीच में भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, वो जब प्रैक्टिकल बनाएंगे तो आपको लगेगा इंट्रोड्यूस इतना अमाउंट फॉर एनीबडी एल्स, तो वहां पर क्या करेंगे उस पार्टनर के नाम हम लोग उसको डालेंगे। तो वहां पर हम लोग लिखेंगे बाय कैश और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एडिशनल कैपिटल, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहता है। उसके बाद याद कीजिए पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्या डाले थे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और जो बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आया वो सारा डेबिट आइटम क्या करेंगे आप उसको यहाँ डाल देंगे, लेकिन किस साइड? क्रेडिट साइड में। यानी पीएल अकाउंट का प्रॉफिट लॉस को छोड़कर, ठीक है ध्यान देंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन के पीएल अकाउंट का प्रॉफिट लॉस को छोड़ करके जितने भी आइटम है डेबिट का आइटम क्रेडिट में डाल दीजिए और क्रेडिट का आइटम डेबिट में डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, फिर बाय सैलरीज, जो भी सैलरी होगा उसको डालेंगे, बाय कमीशन, ये
यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट का आइटम हम लोग किस साइड डालने जा रहे हैं, क्रेडिट में। इसके बाद एक रिजर्व भी था, ट्रांसफर टू रिजर्व, उसको हम लोग लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, या जो भी नाम हो, रिजर्व होना चाहिए, जनरल हो, स्पेशल हो, कोई भी रिजर्व हो, ठीक है। जनरल रिजर्व है वो भी हमारे पार्टनर के नाम है, तो कितना आसान है, पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट का आइटम किधर चला गया, क्रेडिट में चला गया, क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, पीएल एप्रोप्रिएशन का अगर डेबिट साइड का बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आया हो, यानी नेट प्रॉफिट, तो वो नेट प्रॉफिट भी यहाँ ट्रांसफर होगा, लेकिन उसको क्या लिखेंगे, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, प्रॉफिट, क्या लिख देंगे, प्रॉफिट लिख देंगे, क्लियर है। और ये सारा चीज हमें कुछ बनाना नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे पास है। फिर से एक बार रिमाइंड करें, ये हमारा कैपिटल हो गया, ये मेरा एडिशनल कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व और पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड का बैलेंसिंग फिगर, ये सारे आइटम इंटरेस्ट से लेकर पीएल, ये आपका कहाँ से आ गया, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड का आइटम, बस इतना ही आइटम इसमें जाएगा, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड का आइटम, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीटी इफ एनी, कभी कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे अभी ना ही दे तो सही है, कभी कभी किसी पार्टनर का जो कैपिटल होता है वह उसके विथड्रॉल के सेंस में होता है, यानी लॉस होता है, तो वह चीज भी रहता है, तो ये अभी आपको ज्यादा नहीं, फिर भी हम लिख दे रहे हैं, लेकिन हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं इफ एनी, यानी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं होगी। अब हम लोग इसमें लेंगे टू ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स नहीं था पीएल एप्रोप्रिएशन में, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर क्या था, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, क्यों नहीं ड्रॉइंग था, तो ध्यान देंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ड्रॉइंग भी नहीं था और कैपिटल भी नहीं था, क्योंकि कैपिटल और ड्रॉइंग क्या है, वो हमारा कैपिटलाइज आइटम है, और हम लोग कोई भी पीएल अकाउंट बनाते हैं तो रेवेन्यू आइटम लेते हैं, ये कॉमन बात है, इसलिए ड्रॉइंग और कैपिटल उसमें नहीं था, बाद बाकी सारा कुछ एज इट इज था, बस वो क्या हुआ, डेबिट का क्रेडिट हो गया और क्रेडिट का डेबिट हो गया, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्लियर हो गया। और अगर आपका पीएल एप्रोप्रिएशन का लॉस हुआ है, उस लॉस को आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये वाला और ये वाला, इस दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से देख लें, टू बैलेंस बीडी इफ एनी, अगर कोई ड्रॉइंग हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुआ और पीएल एप्रोप्रिएशन का लॉस है, देखा जाए तो बहुत ही इजी है ये अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन का अपोजिट है। अब क्या करेंगे, दोनों पल्ले को बराबर करेंगे, और बराबर करने में कोई भी साइड जो है आपका ज्यादा और कम हो सकता है, और हर पार्टनर का साइड जरूरी नहीं है, एक अगर डेबिट का पलरा ज्यादा हुआ तो उस बी का भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हर पार्टनर का अपना अलग अलग इंट्रोडक्शन है, तो हर पार्टनर का अलग अकाउंट है, तो वो डेबिट या क्रेडिट किधर भी बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग इस पलरे को बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद हम लोग देखेंगे अगर इधर का पलरा ज्यादा हुआ तो डेबिट में हम लोग टू बैलेंस सीडी लिखेंगे, सीडी आप लोगों को पता ही होगा, बैलेंसिंग फिगर कैरी डाउन, और अगर डेबिट साइड का पलरा ज्यादा हुआ तो क्रेडिट में लिखाएगा बाय बैलेंस सीडी, यानी बैलेंसिंग फिगर, क्लियर हो गया। आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें अगर आपको समझने में या याद करने में प्रॉब्लम है, आप याद मत करो, आप कॉमन सेंस लगाओ, माइंड को कंसंट्रेट करो, और यह समझो जो ये मेरा अकाउंट है, यानी पर्सनल अकाउंट है, पार्टनर्स का अकाउंट है, तो मेरा जो कुछ भी बिजनेस में लगा वो मेरा आज न कल होगा। याद कीजिए, जब आप बैंक में अपने कैश को अपने अकाउंट में जमा करते हैं, आपके मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड अमाउंट, और जब आप अपने बैंक से अपने अकाउंट से रुपया निकालते हैं तो आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इतना अकाउंट,
क्लियर, यानी जब आप जमा करते हैं यानी आपके अकाउंट में जो बढ़ रहा है वो क्रेडिट हुआ, और आप जब विथड्रॉ करते हैं तो डेबिट हुआ। कोई भी पार्टनर अगर कैपिटल लगाएगा तो आज न कल उसको रिटर्न होगा, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। उस कैपिटल पर उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ इंटरेस्ट है। अगर वो एडिशनल कैपिटल लगाया तो भी वो उसी का है, सैलरी भी उसी को मिलेगी, कमीशन भी उसी को मिलेगा, रिजर्व का रुपया भी उसी को मिलेगा, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का हिस्सा भी उसी को मिलेगा। बहुत ईजी है। और अगर वो अपने अकाउंट से पैसे दिया है, ड्रॉइंग किया है, तो स्वाभाविक है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ड्रॉइंग करते हैं पर्सनल यूज के लिए कैश निकालते हैं तो फिर ड्रॉइंग के साथ क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमको देना पड़ेगा, तो मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और अगर पीएल अप्रोप्रिएशन का कोई लॉस है तो वो लॉस भी हमको क्या हो गया, हमारे हिस्से से ही कटेगा, वो भी डेबिट हो गया। फिर हम दोनों साइड के पलरे को इक्वल करेंगे और जितना अमाउंट से हमारा रिमेनिंग सेस होगा वो मेरा टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब आप क्या करेंगे, आप इसको होमवर्क समझिए, नोट समझिए, क्योंकि फर्दर एग्जाम में आपको इसके बिना आप कोई भी सवाल नहीं बना सकते हैं। तो पीएल अप्रोप्रिएशन को एक साइड रखिए और एक साइड आप मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रखिए, और दोनों के बीच का अब आप देखिए, आपको बहुत इजी लगेगा पीएल अप्रोप्रिएशन याद कर लिए तो ऑटोमेटिकली हमारा ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फिक्स्ड कैपिटल के अकाउंट के बारे में चलेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फ्लक्चुएटिंग में हमने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, और अब आपको इसका फेयर तैयार कर लेना है, पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल का। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।